नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। श्री रमना काली मंदिर का आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। 1971 युद्ध में पाक सेना ने किया था नष्ट। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर में आग लगा दी थी, जिसमें भक्तों और उसमें रहने वाले लोग सहित कई लोग मारे गए थे। यूपी उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम की बैठक। यूपी उत्तराखंड के 45 सांसदों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के 40 और उत्तराखंड के 5 सांसद रहेंगे मौजूद। यूपी के बाकी सांसदों के साथ बाद में होगी बैठक। विभिन्न राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी की चौथी बैठक। भाजपा और निषाद पार्टी की सरकार बनाओ, अधिकार पाओ रैली आज अमित शाह करेंगे संबोधित। भाजपा और निषाद पार्टी की पहली संयुक्त रैली होगी। रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद संबोधित करेंगे। 19 दिसंबर को सीएम योगी का मथुरा आगमन। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम बनने के बाद 19वीं बार मथुरा पहुंचेंगे योगी। रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। 19 दिसंबर को रायबरेली दौरे पर प्रियंका गांधी महिलाओं से करेंगे शक्ति संवाद। रिफॉर्म क्लब में होगा कार्यक्रम। विधान परिषद में बोले स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। कांग्रेस नेता दीपक सिंह के सवाल के जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से 22,915 मौतें हुई, लेकिन इनमें से एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आलिया के खिलाफ एक्शन की तैयारी में बीएमसी, होम क्वारंटीन नियम तोड़, ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए पहुंच गई दिल्ली। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया, आज पूरे राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। ब्रिटेन में आज 88,376 कोरोना के मामले। बाइडेन ने चेताया, कहा बहुत तेजी से फैलेगा ओमिक्रॉन। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 राज्यों में ये संक्रमण फैल चुका है और 88 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 10 मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां होंगी बंद, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी 1 जनवरी से होंगी बंद। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 1 जनवरी को ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।